अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है, TCL 10L फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि 6GB 128GB स्टोरेज के साथ पाकिस्तान में मिलता है, 33,000 या 32,000 तक मिल जाता है। तो क्या ये बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज के अंदर, उसके बारे में ओपिनियन भी दूंगा। तो इस फ़ोन को अगर आप बाई करते हैं तो आपको क्या कमी देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो फ़ोन अगर देखें तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, सैमसंग गैलेक्सी S10 वाला जो मॉडल था उसी तरह का बैक पे आपको डिज़ाइन मिलता है, लेकिन ज़्यादा ही लंबी लैन जिसमें आपको 4 कैमरे बैक पे मिलते हैं और साथ में आपको डुअल LED फ्लैश देखने को मिलती है। तो ये वाला फ़ोन 2020 मई के मंथ का ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और पाकिस्तान में अभी आपको मार्केट में से ये मिल जाता है। तो TCL के आपने TV LEDs वगैरह देखी होंगी और मोबाइल फ़ोन भी पाकिस्तान में मिलता है जिसको आप बाई कर सकेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा और मोबाइल फ़ोन की प्राइस आपको कम देखने को मिलेगी। अभी तक तो इनका कोई लेटेस्ट फ़ोन नहीं आया जो पाकिस्तान में आपको मिलता हो। तो ये वाला फ़ोन आता है 8.4 mm थिकनेस पे, 180 ग्राम इसका वेट है, LCD वाला इसमें डिस्प्ले है 6.53 इंच का पंच होल वाला और फुल HD वाला ये डिस्प्ले है 1080p रेजोल्यूशन के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में फ़ोन बहुत कमाल का है, एंड्रॉयड 10 पे आता है और एंड्रॉयड 11 की इसमें आपको अपडेट भी मिलेगी। स्नैपड्रैगन 665 वाला इसमें चिपसेट मिलता है, तो ये चिपसेट काफ़ी ठीक है, अभी जो स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर है उसी तरह की परफॉर्मेंस देगा। इसके एंटूटू स्कोर 1,70,000 के करीब और 662 वाले के 1,73,000 है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, परफॉर्मेंस भी आपको नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन लेते हैं तो ठीक ही मिलेगी। ऑक्टा कोर के ये CPU के साथ आता है, 6GB रैम वाला पाकिस्तान में आपको वेरियंट मिलता है, साथ में 128GB की स्टोरेज है, UFS 2.1 वाली और LPDDR4X वाली इसमें रैम है, 4 कैमरे बैक पे है, मेन कैमरा जिसमें 48 मेगापिक्सल का है, 8 का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2x2 का डेप्थ सेंसर है, 4K वीडियो इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में, फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, Wi-Fi 5 है इसमें, Bluetooth 5.0 वाला है, Type-C वाला चार्जर है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको बैक पे मिलता है। तो 30,000 की रेंज के अंदर और ब्रांड भी आपको बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देते हैं, लेकिन ये डिजाइन थोड़ा पुराना हो चुका है। जेरोस्कोप सेंसर भी इसमें आपको मिल जाता है, ऑलमोस्ट सभी सेंसर इसमें दिए गए हैं, 4000 mAh की बैटरी है नॉर्मल 10W के चार्जर के साथ। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 32-33 हज़ार में आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप TCL का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं, अगर ये 30-32 हज़ार की प्राइस में मिलता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको कमी देखने को मिलेगी, अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है वारंटी के दौरान भी तो आपको इसके कस्टम केयर सेंटर बहुत कम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए और डिज़ाइन थोड़ा अलग किस्म का हो तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो अगर इस फ़ोन की प्राइस 30,000 से कम होती और नॉर्मल यूज़ में फ़ोन अगर आपने लेना होता तो ठीक था, अदरवाइज 30-32 हज़ार अगर आप खर्च रहे हैं तो और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।